सुप्रभात बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 की मेधा के पाठ 1 समर्पण कविता, जिसे रामावतार जी त्यागी ने लिखा है, उसे हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके शब्दार्थ भी हमने समझ लिए हैं और हमारे प्रश्न उत्तर भी इसके हो गए हैं। जीने की राह भी हमने कल समझ ली थी। अब बेटा आज बारी आती है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख, श्रुतलेख के शब्द, तो इनका हम उच्चारण करके देखेंगे। ऋण, ऋण, समर्पण, समर्पण, अर्पित, अर्पित, आशीष, आशीष, स्वप्न, स्वप्न, बंधन, बंधन, ध्वज, ध्वज, तृण, तृण, ये 8 शब्द हैं बेटा। इन शब्दों को आपको 2 या 3 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखना है, चाहे आप रफ कॉपी में लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो इससे क्या होगा, आपका आपका जो कार्य होगा उसमें गलतियां कम होंगी। अब दूसरा प्रश्न है, किसी नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, इनके 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा शब्द अपन ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था बेटा, और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम इस चीज को समझ लें। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को कहते हैं, यानी नाउन, है ना। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द सामान्य वर्ग या जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जिन शब्दों से किसी वर्ग का हमें बोध होता है, जाति का बोध होता है या किसी ग्रुप समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तो जिस शब्द में किसी व्यक्ति का नाम आता है या व्यक्तिगत नाम आता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आपके स्कूल का नाम ही है करनी इंटरनेशनल स्कूल, है ना। तो करनी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया, क्योंकि यह व्यक्तिगत नाम है। और स्कूल शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है यह शब्द। तो स्कूल तो खूब सारे हैं, लेकिन करनी एक है, तो करनी शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा और स्कूल शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर हो गया आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक? जैसे शहर है, शहर आपका जातिवाचक में आएगा, लेकिन मंदसौर जो है व्यक्तिवाचक में, क्योंकि मंदसौर एक ही है, शहर खूब सारे हैं। भाववाचक संज्ञा तीसरी आती है हमारी, भाववाचक संज्ञा। ये मन, भावों, अवस्थाओं, दशाओं, हर्ष, खुशी, दुख आदि के नाम होते हैं। जिस शब्द से हमें फीलिंग होती है, कुछ महसूस होता है, भाव हमारे मन में आते हैं, तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और उन्हें अलग अलग भेदों के रूप में लिखिए। पहला वाक्य है, मैं अपना तन और मन समर्पित करना चाहता हूं। तो इस वाक्य में तन और मन दोनों संज्ञा शब्द हैं, और कौन से जगह आएंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में, है ना, जातिवाचक संज्ञा में हम इनको दोनों को लिख देंगे। और दूसरा है, मुझ पर मातृभूमि का ऋण है। तो मातृभूमि तो आपकी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और ऋण जो है भाववाचक संज्ञा में। ऋण में क्या, कर्ज लेने का हमें भाव आ रहा है मन में, ऋण लेने का भाव मन में आ रहा है, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ग वाक्य है, मुझ पर दया करो। इसमें दया शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और दया शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। घ है, मैं गांव और घर
छोड़कर जा रहा हूँ। तो गांव और घर ये दोनों शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अंग है, मेरा गांव पटना के नजदीक है ना। तो इसमें गांव और पटना दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो गांव शब्द तो आपका किस में आएगा बेटा? जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि गांव खूब सारे होते हैं। और पटना शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि पटना एक ही है, वो उस जगह का नाम बता रहा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में, दो पे अंडरलाइन कर लीजिए अब गांव और पटना में। अब च वाला है, पटना बिहार में स्थित है। तो इसमें दोनों ही अपने व्यक्तिगत नाम का बोध करा रहे हैं, पटना और बिहार। पटना एक शहर का नाम है और बिहार जो है एक प्रदेश का नाम है, नाम है ना। तो ये दोनों जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे दोनों ही शब्द। छह वाला है, आपका आशीष चाहिए। इसमें आशीष शब्द के नीचे अंडरलाइन करें। और आशीष शब्द कहाँ आएगा? भाववाचक संज्ञा में। अब हम देखें जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आए। जातिवाचक संज्ञा में तन, मन, मातृभूमि, गांव और घर। व्यक्तिवाचक संज्ञा में शब्द आए हैं पटना और बिहार। भाववाचक संज्ञा में आए हैं ऋण, दया और आशीष। तो ये हमारा संज्ञा की बात पूरी हो गई बेटा। संज्ञा समझ में आ गई आप लोगों को? और भी अगर कुछ परेशानी है तो आप कोपल बुक से, अपना कोपल वाली जो आपकी पुस्तक है उसमें संज्ञा वाला पाठ निकाल करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब आता है प्रश्न तीन। इन शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं बेटा? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, एक जैसे अर्थ होते हैं, एक समान अर्थ होते हैं, उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो पहला शब्द है क वाला, धरती। धरती के तीन शब्द हैं, धरा, भू, पृथ्वी, है ना। इसके अलावा और भी हैं, वसुधा, वसुंधरा आदि। ख वाला है माँ। माँ के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं माता, जननी, माई। ग वाला है सुमन। सुमन के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं प्रसून, फूल, पुष्प। इसके अलावा कुसुम भी हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न चार आता है, इन शब्दों में शब्दांश या अन्य शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो क वाला है जीवन। जीवन शब्द में हमने भर शब्द जोड़ा तो जीवन भर एक नया शब्द बन गया। और जीवन के बाद यदि हम पर्यंत जोड़ते तो जीवन पर्यंत बन जाता। और अगर जीवन के पहले हम आ शब्द जोड़ते तो आजीवन भी बन जाता, है ना। अब ख शब्द है रक्त। रक्त में हमने दान शब्द को जोड़ा है तो यह शब्द बना है रक्त दान। और इसके बाद है देश। देश शब्द में हमने काल शब्द को जोड़ा है तो यह शब्द बन गया देश काल। अगर हम चाहते तो इसमें देश में पहले स्व भी लगा सकते तो स्वदेश बन जाता, और वी उपसर्ग लगाते तो विदेश भी बन जाता, है ना। उसके बाद घ शब्द है आयु। आयु शब्द में हमने वर्ग शब्द जोड़ा है तो आयु वर्ग। यह हमारा प्रश्न चार पूरा हो चुका है। अब प्रश्न पांच है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए बेटा, वाक्य तो आपको खुद बनाने हैं, अपने खुद के वाक्य बनाने हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। क वाला है ऋण। ऋण शब्द से वाक्य बनता है मैंने बैंक से ऋण लिया, है ना, या मेरा ऋण अभी बाकी है। जो भी है आप अपने मन से बना सकते हैं। और ऋण शब्द के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन का मतलब है हमें पता होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। दूसरा शब्द है ख वाला स्वीकार। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया है। ग वाला है ढाल। ढाल का अर्थ होता है सुरक्षा कवच या सुरक्षा करना। तो ढाल, मैं तुम मेरी कमर में ढाल बांध दो,
बांध दो ढाल मेरी कमर में, ये आपका आपकी पंक्ति आई थी उसमें कविता में है ना, मेरी कमर में ढाल बांध दो या तुम जीवन भर मेरी ढाल बनकर रहे हो। तो ढाल के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ये आपका वाक्य बन जाता है। घ वाला है आयु, मेरी आयु 15 वर्ष है, तो आयु के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, या ये भी लिख सकते हैं इस विज्ञापन में आयु सीमा भी लिखी हुई है, जो भी आपको लगता है अपने पसंद का वाक्य आप लिखेंगे। अंग वाला शब्द है ध्वज, ध्वज यानी झंडा, मेरा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये वाक्य हम बना सकते हैं। हमें अपने देश का ध्वज लहराना है, तो यह भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे अपना पसंद का खुद वाक्य बनाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न 6, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए, यानी राइट का निशान लगाइए। क वाला है इनमें से तद्भव शब्द है, अच्छा तद्भव शब्द क्या होते हैं बेटा, जो संस्कृत से हिंदी में वैसे के ही वैसे प्रयुक्त होते हैं एज इट इज, और तद्भव होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, संस्कृत से हिंदी में आने के बाद उन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। और तीसरा क्या है देशज, हमारे शब्द तीन प्रकार के हैं तत्सम तद्भव और देशज, तत्सम आपको समझा दिया, तद्भव समझा दिया, और देशज शब्द होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है उसको हम देशज कहते हैं। लेकिन इसमें तद्भव शब्द हमें ढूंढना है, स्वप्न ध्वज ऋण और गांव, गांव को संस्कृत में ग्राम लिखते हैं हम, तो इसलिए गांव आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो आप नंबर 4 पर टिक लगा लीजिए। ख प्रश्न है इस शब्द में संयुक्त अक्षर आया है, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, दो जुड़े हुए अक्षर मिलकर के एक अक्षर बनता है, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है। देखिए ऋण शब्द है और द्वार शब्द है, द्वार शब्द है द्व, द आधा और व मिलकर के संयुक्त अक्षर बना है, और नीचे है क्षमा, क्षमा शब्द में क्ष क और क्ष मिलकर के क्ष बना है, तो यह भी इसमें भी संयुक्त अक्षर है, और क्षण शब्द जो है इसमें भी क्ष जो है वह संयुक्त अक्षर है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न बदल देते हैं, इस शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं आया है, तो आप नहीं लगा लीजिए बीच में, इसमें अपनी बुक में लिख लीजिए, इस शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं आया है, केवल एक शब्द है जिसमें संयुक्त अक्षर नहीं आया है, वो शब्द है ऋण, ऋण को टिक कर लीजिए नंबर 1। उसके बाद ग शब्द है, ग वाक्य हमारा जो प्रश्न है, यह शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है, नंबर 1 प्राण, नंबर 2 धरती, नंबर 3 तलवार, और नंबर 4 ध्वज। तो प्राण शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हम इस नंबर 1 को टिक कर लेंगे। तो बेटा ये पाठ 1 आपका पूर्ण हो चुका है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और ये जो पुस्तक अभ्यास है इसको आप अच्छे से पढ़ें समझें, और पुस्तक में आपको लिखना है, और इसी को याद करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चाहे आप रफ कॉपी में लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको लिखना है। धन्यवाद बेटा।